अय्यूब की पुस्तक अध्याय 23, अय्यूब की पुस्तक अध्याय 23। तब अय्यूब ने कहा, मेरी कुड़कुड़ाहट अब भी रुक सकती, मेरी मार मेरे कराहने से भारी है। भला होता कि मैं जानता कि वह कहां मिल सकता है, तब मैं उसके विराजने के स्थान तक जा सकता, मैं उसके सामने अपना मुकदमा पेश करता और बहुत से प्रमाण देता। मैं जान लेता कि वह मुझसे उत्तर में क्या कह सकता है, और जो कुछ वह मुझसे कहता वह मैं समझ लेता। क्या वह अपना बड़ा बल दिखाकर मुझसे मुकदमा लड़ता? नहीं, वह मुझ पर ध्यान देता। सज्जन उससे विवाद कर सकते, और इसी रीति मैं अपने न्याय के हाथ से सदा के लिए छूट जाता। देखो, मैं आगे जाता हूं परंतु वह नहीं मिलता, मैं पीछे हटता हूं परंतु वह दिखाई नहीं पड़ता। जब वह बाई ओर काम करता है तब वह मुझे दिखाई नहीं देता, वह तो दाहिनी ओर छिप जाता है ऐसा कि मुझे वह दिखाई ही नहीं पड़ता। परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूं, और जब वह मुझे तौलेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। मेरे पैर उसके मार्गों में स्थिर रहे और मैं उसी का मार्ग बिना मुड़े थामे रहा। उसकी आज्ञा का पालन करने से मैं न हटा, और मैंने उसके वचन अपनी इच्छा से कहीं अधिक काम के जानकर सुरक्षित रखा। परंतु वह एक ही बात पर अड़ा रहता है और कोई उसको उससे फिरा नहीं सकता। जो कुछ उसका जी चाहता है वही वह करता है, जो कुछ मेरे लिए उसने ठाना है उसी को वह पूरा करता है, और उसके मन में ऐसी ऐसी बहुत सी बातें हैं। इस कारण मैं उसके सन्मुख घबरा जाता हूं, जब मैं सोचता हूं तब उससे थरथरा उठता हूं, क्योंकि मेरा मन परमेश्वर ही ने कच्चा कर दिया और सर्वशक्तिमान ही ने मुझको असमंजस में डाल दिया है, इसलिए कि मैं इस अंधियार से पहले काट डाला न गया और उसने घोर अंधकार को मेरे सामने से न छिपाया।